नमस्कार दोस्तों, एक घंटे पहले हमने थ्योरेटिकली जाना कि मनोवृत्ति एटीट्यूड क्या होता है और उससे किस तरह से इंसान को फर्क पड़ता है और क्या हो सकता है इंसान के जीवन में अगर वो सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल ले तो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दो तरीके से, केस स्टडी के माध्यम से भी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे। ऑल इन ऑल इनका दोनों का पर्पज़ ये होगा कि आपको इसका पर्पज़ होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि दिए गए सिचुएशन में एक इंसान का एटीट्यूड कैसा होता है और उसकी वजह से क्या रिएक्शन वो लेता है और वो रिएक्शन क्यों अच्छे और बुरे होते हैं। ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया जो आपको मेरे को जानना चाहिए। और दूसरा, किस तरह के सवाल एमपीपीएससी मेंस में GS4 में पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हल करना है। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं इस पर्टिकुलर एक घंटे का जो हम और आप एक साथ बिताने वाले हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? सो देयर विल बी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं और मेरे कई सारे साथी जिनके चित्र और नाम आपके सामने हैं, दे आर टीचिंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट टू यू इन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, राइट? एंड ऑल्सो इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप इन सभी लोगों से मुखातिब होंगे, इनको जानते होंगे क्योंकि व्यक्तिगत तौर से इनसे इंटरेक्ट किया होगा यूट्यूब के माध्यम से, राइट? सो दे आर एन अलॉन्ग विथ लॉट ऑफ अदर फैकल्टीज दे आर इन टू अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर यू टू हेल्प यू इन बिकमिंग ऑफिसर फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर, राइट? प्रतियोगिता से अधिकारी बनने के आपके जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य में हम सभी लोग बहुत महती भूमिका निभाना चाहते हैं और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हम निभा सकते हैं, इसलिए यू शुड कम टू अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम जितेंद्र राजाराम है। फिलहाल मैं 7 बजे और 9 बजे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स, जो कि एमपीपीएससी के GS4 में मेंस में GS4 में आता है, उसको पढ़ा रहे। मंडे ऑनवर्ड से 7 बजे वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इस तरह से जानेंगे और समझेंगे कि आपके दिल और दिमाग में वो बात हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगी। ना सिर्फ एग्जाम में उसको कवर करना है बल्कि कई और तरीके से इकोनॉमिक्स सदा के लिए आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी, इस हिसाब से पढ़ेंगे। हाउएवर, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स। लेट्स टॉक द अनअकैडमी फर्स्ट लिटिल एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट वी हैव लेफ्ट जस्ट नाउ अगो, राइट? अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जैसे ही ये ऐप आप डाउनलोड करते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है अपना एक गोल। 28 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, अलग अलग स्टेट की PSC है, मेन्स, राइट? और PSC के मेन्स इन सभी तैयारियाँ हैं और इसके अलावा मेडिकल के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस प्लेटफॉर्म पर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं MPPSC व्यापम। जैसे ही आप अपना गोल MPPSC व्यापम सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। सो प्लीज़ कम ऑन बोर्ड एंड टेक द डाउनलोड, राइट? द फैसिलिटीज दैट वी आर गोइंग टू ऑफर यू इज वन ऑफ द क्लासिक वन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, 0 time lapse। आपका जो टाइम रेजिस्टेंस है कि दिए गए टाइम पर ही कोचिंग पहुँचना पड़ेगा, 10 किलोमीटर ट्रैवल करके ही कोचिंग जाना पड़ेगा, यही सब्जेक्ट आज पढ़ना पड़ेगा, कल इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेट तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कोचिंग के बाद भी घंटे आधे घंटे कुछ लोगों से बतियाने पड़ेंगे, ये जो जितने भी टाइम ईटर्स हैं, राइट, जो आपका समय खाने वाले लोग हैं, इन सब से बचिए। और जिस वक्त आप सबसे स्ट्रांगली, राइट, आपका जो ब्रेन है जब सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक उसी वक्त आप जुड़ जाइए और सीखना शुरू कर दीजिए। फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल है। दूसरा, लैंग्वेज आपकी चॉइस का है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में सीखते हैं। तीसरा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, जितनी चाहें आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन इट, यू कैन टेक द हिस्ट्री। पूरे का पूरा इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि जिन लोगों ने अभ्यास किया है वही लोग सफल हुए हैं। इसको किसी भी मायने में सत मानिए, ये सच है, ये पूर्वजों का दिया हुआ ऐसा ज्ञान है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, धीरे धीरे इसको सीधे सीधे इसको मान लेना है। कम से कम समय में जवाब ढूंढने के तरीके जानने पड़ेंगे जो अनअकैडमी प्लस के सभी एजुकेटर्स आपको बताएंगे, हाउ टू क्विकली रीच टू द आंसर। समय नियोजन ही सफल नियोजन है, याद रखिएगा, राइट? लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, राइट? डिटेल्ड टेस्ट सीरीज हैं। टेस्ट सीरीज इसलिए दोस्त कि आपको आपका समय प्लान करना है, स्ट्रेटजी प्लान करनी है एग्जाम हॉल में, वो 3 घंटे मेंस में और वो 2 घंटे प्रीलिम्स में आप किस तरह से खर्च करने वाले हैं, उसका एक एक सेकंड आप प्लान करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में कहाँ रहते हैं, अगर आपके पास में एक मोबाइल है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है और इंटरनेट कनेक्शन है, यू आर ऑन इट and you are preparing for the dream that you have been dreaming for so far.
कोई शहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं, किराया देने की ज़रूरत नहीं, टाइम ईटर्स के बीच में रहने की ज़रूरत नहीं। अपने कंफर्ट में, अपनी सहूलियत में, बेस्ट टाइम सिचुएशन को यूटिलाइज करते हुए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दीज आर माई फेलो एजुकेटर्स जो हमारे लिए हर सब्जेक्ट्स के लर्निंग प्रोग्राम्स बना रहे हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्योग्राफी भूगोल हो, भाषा हो, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हों, जानकारियाँ हों, एग्ज़ाम हल करने के तरीके हों, या फिर अर्थव्यवस्था हो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। इन सभी सब्जेक्ट्स के कम से कम 10 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। दैट्स वाई आई एम कमिंग यू, आई एम आस्किंग यू टू कम ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सो दीज आर सम मोर एजुकेटर्स जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। अच्छी बात यह है दोस्त, जैसे आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप मेरा कोड JRLIVE यूज़ करते हैं तो सीधे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। राइट दोस्त, 10% डिस्काउंट। सो अगर आप एक साल का 365 दिन का सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये में लेते हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड 6,000 रुपीज़ एक्चुअल कॉस्ट। 10% डिस्काउंट है, एनी मनी सेव्ड इज गुड मनी सेव्ड। प्लीज़ यूज़ दिस मनी एंड टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ऑनेस्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन दोस्त। बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारा पैसा बचता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जितने भी अनअकैडमिशियंस में, जितने भी अनअकैडमी में एडुकेटर्स हैं, वो खुद अपने आप में परफॉर्मर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं और वो लाइव अपना एक्सपीरियंस आपसे, तजुर्बा शेयर करते हैं। एंड यू फील जब वो कर सकते हैं, एक एम्पैथी क्रिएट होती है, जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्त, इंसान ही करता है, ये इंसान के बाहर की बात नहीं है, और हम और आप इंसान हैं। इट इज़ वेरी मच अंडर द रीच ऑफ यू एंड मी। कम ऑन एंड लेट्स हेड ऑन एंड टॉक मोर अबाउट इट। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्त, जो कि 14,000 रुपये होना चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से, वो 11,200 रुपये का है, और उसमें भी अगर आप मेरा ये कोड JRLIVE यूज़ करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द 11,000 का जो प्रोग्राम है, 11,200 का जो प्रोग्राम है, यू विल गेट इट एट 10,080 रुपीज़, 10,080 रुपये में आपको ये प्रोग्राम 1-2 साल के लिए, 24 महीनों के लिए सब्सक्राइब होता है। कैलकुलेट कीजिए, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू, एंड ऑनेस्टली वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू कम ऑन बोर्ड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट, स्पेशली द सब्जेक्ट कॉल्ड एटीट्यूड। मनोवृत्ति से जुड़े हुए सवाल किस तरह से हल किए जाएंगे अगर वो परीक्षा में आएंगे। दोस्तों दोनों तरह से इस सवाल को जानिए, क्वेश्चन के रूप में भी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के रूप में भी, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जनरली परिभाषाएं पूछता है, परिभाषाओं बताने में भी आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हालांकि इस वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट से परिभाषाएं बहुत कम आएंगी, तो सिंपल है, व्हाट इज एटीट्यूड, राइट, यू डिफाइन द एटीट्यूड एंड यू कैन एबल टू डिफाइन इट। उसमें भी यू जो जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द एटीट्यूड एंड मूव ऑन, राइट, और ज़्यादा दिक्कत की नहीं है जरूरत है, किसी 1-2 लोगों का नाम लिख दीजिएगा, राइट। सो लेट्स गो टू द लॉन्ग टर्म एटीट्यूड, राइट, साइट शॉर्ट नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन ने तो आपको बहुत ही आसान कर दिया, इस क्वेश्चन ने आपको सिंपल से स्टेट ऑफ अवेयरनेस पूछ लिया कि एटीट्यूड को बनाने में, किसी का भी एटीट्यूड बनता है, किसी की भी मनोवृत्ति जो बनती है वो कैसे बनती होगी और उसमें इन चीज़ों का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता होगा, ये आपको आंसर में लिखना है। तो राइट, सो आपको कहने का मतलब हेडिंग तो आपको डायरेक्टली मिल गई, तो इसको आप शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, मनोवृत्ति क्या होती है, कैसे होती है, इम्पैक्ट क्या है, फॉर्मेशन क्या है, यू विल डिफाइन इट, राइट, कैसे इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, देन यू विल राइट द डेफिनेशंस, राइट। सो यहाँ पर आपको डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन हेड अवे, गो ऑन picking up one subject and start answering the subject, right? So let's talk about, so what is culture, पहले हम culture को define करें। culture exerts enormous influence, culture होता क्या है, what is culture basically, right? So ये वो methods हैं, ये वो रीति रिवाज हैं जो आपके आसपास के लोग, आपके कुनबे, आपके समूह के लोग, और लगभग आपके आसपास पड़ोसी भी होते हैं, जो एक तरह की प्रैक्टिस आपके सामने कर रहे होते हैं। उसमें खाने का तरीका, क्या खाया जाता है, इस बात का जजमेंट, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, उन कपड़े पहनने का अंदाज और तरीका क्या होता है, आप मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं, आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, आप खाना खाते वक्त बात करना क्यों मना होता है, खाना खाने में थाली को सजाने का तरीका क्या होता है, किसी समाज में उठने बैठने का रीति रिवाज क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, जब ये सारे सवाल जो हैं ये आपके कल्चर डिसाइड करता है, तो नेचुरली यही आपका एटीट्यूड भी डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं,
ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका कल्चर डिसाइड करता है। हालांकि अब ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, भाई आप एक कल्चर को बिलोंग करते थे, फिर आप शहर आ गए, पढ़ने के लिए आ गए, वहाँ पर आपका कल्चर, वहाँ पर इंटरेक्शन विद द पीपल इन सोसाइटी चेंजेस, एंड द मोमेंट दैट चेंज अकर्स थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग, राइट? सो दिस इज एंड हियर ऑल्सो, राइट? बिकॉज यू आर शिफ्टिंग द कल्चर फ्रॉम ए टू बी, दैट्स वाई योर बिहेवियर इज चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज इन ऑर्डर टू चेंज दैट बिहेवियर यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन टू योर एटीट्यूड, राइट? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल्चर और बिहेवियर और सोसाइटी के चेंज होने के बावजूद भी अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं। देर आर सम पीपल दे डू नॉट कंज्यूम नॉन वेज इवन इफ दे गो टू द कंट्रीज लाइक जो स्लोवा कंट्रीज हैं, जो बर्फीली कंट्रीज हैं, जहाँ पर वो इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि कोई इंसान वेजिटेरियन ही क्यों खाता होगा, क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं वेजिटेरियनिज्म। इनफैक्ट अगर आप चाहेंगे तो देर इज़ अ वेरी गुड बुक रिटन बाई, दिस इज कॉल्ड एम्पायर ऑफ फूड्स, एम्पायर ऑफ फूड्स बुक आप लिखेंगे तो यू विल गेट दिस बुक, इट्स अ वेरी फेमस बुक। ये बुक तो इस बात को यहाँ तक साबित करती है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएँ बनी हैं, उन सभ्यताओं के बनने से खान पियन तय नहीं हुआ, बल्कि खान पियन के तय हो जाने से सभ्यताएँ तय हुई हैं। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, बहुत सारे, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, जो भी ऑथर्स हैं, मैं उन ऑथर्स का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन ऑथर्स ने इसको बहुत ही साइंटिफिकली स्टडी करते हुए लिखा है। सो यस, सो कल्चर इज वन ऑफ द वर्ड, कल्चर चेंजेस, राइट? So culture changes your language, right? So culture changes your tradition, it changes your techniques and skills, it changes your tools and object, it changes your arts, it has an impact on your food and drink, it has changes on your value system, and also it has changes on the community. So this is how, this is called the wheel of culture. So culture changes a lot of things. Sirf khan pian nahi, aap kya banenge ye bhi aapka culture change karta hai. मैं इंदौर से आपसे मुखातिब हूँ। इंदौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आई एम नॉट एंडोर्सिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटेंशन इज नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल, जैन इंडस्ट्रियल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी तो, या मैं सही से बोल पा रहा हूँ इन्हें। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है अपनी कम्युनिटी के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप की बात को बढ़ाना, और एंटरप्रेन्योर दे आर ऑल इन जैन कम्युनिटी इज मोस्टली इन एंटरप्रेन्योर, राइट? वो लोग उद्यमी होते हैं, राइट? बिजनेस ही कम्युनिटी होती है। सो ये दे आर मूव इन टू कम्युनिटी, दे आर वेरी सक्सेसफुल एज अ बिजनेसमैन, राइट? दे हैव अ गुड हैंड होल्डिंग ऑफ द कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के बाहर नहीं जाता, इसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस उद्यमिता को, उनके अंदर के जो उद्यमिता स्प्रिट है, एंटरप्रेन्योरल स्प्रिट है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो वेरी रिसेंटली आई कम अक्रॉस, आई मेट द चेयरमैन ऑफ दिस कम्युनिटी, दिस ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने हम लोगों से बात ये की, उन्होंने बताया कि नाउ दे आर आस्किंग देयर किड्स इन द फैमिली, द एक्सटेंडेड फैमिली, उनके समाज के बच्चों को वो MPPSC, UPPSC और ISIPS की तैयारी के लिए मुफ्त में लर्निंग प्रोग्राम्स मुहैया करा रहे हैं। सो इफ़ एनीबॉडी कैन टेक दिस हेल्प, यू कैन टेक दिस हेल्प। क्यों? क्योंकि उनको बोला कि अब हमको बिजनेस करने में वी आर फीलिंग द हीट that we have very less representation into the bureaucracy of India. As a community, they are thinking, right? So as a community, they are making an impact into the decision-making policies of their kids. So ye sahi hai ya galat hai, ye jo bhi hai, lekin there are communities like this. So main aapko hi batana cha raha hu ki culture has a very strong imprint in the memory and behavior of the people because it directly impacts and hits the attitude of the people. So ye cheeze aap likh sakte hain, is tarah ke examples aap de sakte hain, aap apne hisab se bhi examples ko dhoond karke de sakte hain, right? So family dusri hai bhai, bilkul family, you are always, in fact you grow up with the parents, you grow up with the extended family, so you do all these things, so it is very natural that you all are governed by the institution of the family. We all are governed by the institution of the family. And family kya change karti hai? So family aapke riti rivaj, right? Aapke culture par uska direct impact hai, aapke khan pian pe uska direct impact hai. Right, for example, aap arranged marriage aur love marriage ke beech mein jo interaction hai, आप क्या सही मानेंगे, राइट? जब आप अपने दोस्तों के बीच होते हैं, अपने दोस्तों को अरेंज मैरिज और लव मैरिज करते हुए देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये गलत क्यों है, लव मैरिजेस क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे आप अपनी फैमिली के बीच में उठना बैठना शुरू करते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि यू लाइक आपके दोस्त कर सकते हैं लेकिन शायद आप लव मैरिज नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट एंड हाउ पावरफुली फैमिली इम्पैक्ट्स इन योर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, स्पेसिफिकली अबाउट योर एटीट्यूड, या सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। Yep, so let me change you the, let me go to the next slide. Talking about the psychology, right? Psychology, bilkul bhai sahab hai psychology, because psychology, in fact, it is inter, right? Your culture changes your psychology, your family changes your psychology.
पॉइंट ही है दोस्त कि आपको अपने लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, राइट। अपॉर्चुनिटी का अभाव और अपॉर्चुनिटी का एबंडेंस, राइट, अवसर का अभाव या अवसर की अति, ये दोनों चीज़ें भी आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा तक इम्पैक्ट करते हैं। एंड वंस यू हैव गॉट साइकोलॉजी ऑफ, राइट, सो साइकोलॉजी किस तरह की, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्रिबिंग, राइट, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो दुनिया से, राइट, सो इट प्रोबेबली हैपन्स दैट यू ऑलवेज थिंक कि दुनिया गलत है और आप सही हो। ये एक साइकोलॉजिकल नोशन होता है लोगों में, बहुत सारे लोग यही मानते आए हैं कि वो दुनिया, सारी दुनिया गलत है, वो अकेले सही हैं। ऐसे ही लोगों ने विश्व युद्ध तक करा दिए हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द हिटलर स्पेसिफिकली, राइट, सो एंड ओसामा बिन लादेन इज सेकेंड, एंड देर लॉट ऑफ सच पीपल जो कहते हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, राइट। आपने एक बहुत अच्छा टीवी सीरीज भी देखा होगा, राइट, सो आई थिंक आई शुडंट टॉक मोर अबाउट दैट टीवी सीरीज, जिसमें एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूँ। ये साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट है। इनफैक्ट वो जो पूरी टीवी सीरीज है, अगर आप उस पूरी टीवी सीरीज को देखेंगे तो जिस तरह की घटनाएं उस इंसान के साथ हुई हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल दैट ही विल बिकम वॉट ही हैज़ बिकम। सो पर्सनल साइकोलॉजी हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड लास्टिंग इम्पैक्ट अपॉन द पीपल, राइट। दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट। सो योर वैल्यूज, आइडियल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग, राइट, हाउ वेदर यू विल ओवरटली रिएक्ट ऑन द सिचुएशन और यू विल नॉट ओवरटली रिएक्ट विद द सिचुएशन, इट इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर। देन योर इकोनॉमी, राइट, इनफैक्ट इकोनॉमी चेंजेस योर साइकोलॉजी, इकोनॉमी चेंजेस योर वैल्यू सिस्टम, इकोनॉमी चेंजेस योर एवरीथिंग अबाउट इट, राइट। सो अर्थ जो है, जैसा मैं इकोनॉमिक्स के बारे में हमेशा कहता हूँ, इकोनॉमी इज द पैथोलॉजी ऑफ, जैसे बॉडी की जो पैथोलॉजी, यानी ब्लड, जो पूरी बॉडी का जो बॉडी, हाउ बॉडी इज सर्वाइविंग बाई ब्लड, वैसे हाउ कंट्री इज गोइंग टू सर्वाइव बाई इकोनॉमी, राइट। अर्थ जो है किसी कंट्री की पैथोलॉजी होती है। सो ब्लड ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो किसी फैमिली के बारे में भी बात करें, किसी फैमिली में भी अगर मनी का अभाव है तो उस फैमिली के वैल्यू सिस्टम एक्सट्रीमली क्रॉनिक कंडीशन में जाकर के चेंज होंगे। सो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी, यस, वॉट इज योर सैलरी बैंड, what is your social status, what is your work environment and what is work, right, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि आपका, right, आपकी जो आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो कैसा होगा। अगर आपके पास abundant पैसा है, right, heritage property है and you're living very lavish life, so दो तरीके आपके साथ हो सकती हैं। या तो you will continue to enjoy, राइट, और एक हेडनिज्म होता है। हेडनिज्म का मतलब क्या होता है दोस्त, कि यू जस्ट इन्जॉय द लाइफ, राइट, दुनिया से कोई मतलब नहीं, हाँ हो रहा होगा गलत, हमें चिंता नहीं है, अच्छा हो रहा हमें चिंता नहीं, हम अपनी लाइफ में मस्त, हम ना किसी का बुरा चाहते हैं ना किसी का अच्छा चाहते, ऐसे लोगों को हेडनिज्म बोलते हैं, राइट। सो या तो आप इस तरह से हो जाएंगे, या बोलेंगे यार इतनी सारी व्यवस्था है, मेरे को जीवन जीने की चिंता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो भी जीवन भर के लिए पैसा पड़ा है कमाने के लिए। तो आप कुछ ऐसा जीवन दुनिया को देकर के जाना चाहेंगे जो शायद दुनिया आपको मरने के कई हज़ार सालों बाद तक भी याद रखे। हो सकता है आप पिरामिड की खुदाई में लग जाएं, आप कुछ ढूंढने की कोशिश करें कि वहाँ क्या नया मिल सकता है, या आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल में चले जाएं और फिगर आउट करें कि यार लाइफ कैसे बनी होगी, या आप आसमान को निहारने के लिए टेलीस्कोप के माध्यम से ये ढूंढने लग जाएं सोलर सिस्टम क्या है। यानी कि उस स्थिति में आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे जो आपकी और मेरी, हम जैसों की जिंदगी के संघर्ष से जुड़े हुए सवाल नहीं होंगे। यू विल बी सॉल्विंग अबाउट द मैक्रो प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनकाइंड, राइट। यू मे बी यू विल गो टू पॉलिटिक्स एंड यू थिंक भाई ये जात पात खत्म किया जाए, ये नारी का जो गैर बराबरी है समाज में इसको खत्म किया जाए, या आप कुछ निगेटिवली भी जा सकते हैं, भाई चलो और पैसा बनाया जाए, अरे बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, अपन ही भगवान बन जाते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट में जाओगे। लेकिन अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ दो जून की रोटी कमा पाना भी बहुत मुश्किल है, सो वहाँ पर आपका जो थॉट होगा, या अमीर लोग हमेशा अमीर होते हैं, भगवान ने हमें बनाया, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत ख़राब है, अच्छी किस्मत होती तो हम चांदी के चम्मच लेकर के बैठे होते, पर सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए होते, और अपने आप से दुख बांटना, अपने आप से रोना, और किसी दिन उसी गुस्से में आकर के एक अपराध कर देना। सो इस तरह से गरीबी आपसे अपराध कराती है। सो ये तरीके भी हो सकता है। सो इट मीन्स कि इकोनॉमिक्स ऑफ अ पर्सन इम्पैक्ट्स ग्रेटली अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, राइट। कोई भी इंसान आपराधिक हो जाएगा या अपराध के खिलाफ किस तरह रिएक्ट करेगा, या हो रहे अपराध के खिलाफ किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये उसकी माली हालत पर बहुत हद तक निर्भर करती है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट। देन कॉल अबाउट द सोशल ग्रुप्स, आप किस सोशल ग्रुप में पले बढ़े हैं, कि कौन सा सोशल ग्रुप आपको
रिप्रेजेंट करता है, आप किस सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ऑफकोर्स इट इज़ अ फैक्टर. सो फॉर एग्जाम्पल, आप उस उन ग्रुप्स के बीच में हो जो ग्रुप कहता है कि नशा करना चाहिए, इंसानों के लिए ही नशा करना है, नशा इंसानों के लिए बना हुआ है, कोई जानवर थोड़ी नशा करता है, इंसान है, करो नशा, मजे करो जीवन के. तो फिर धीरे धीरे एक दो दिन तो आपको लगेगा कि यार ये गलत बात कर रहा है, फिर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा यार सभी कर रहे हैं, ये तो फैशन है, इससे तो कोई इंप्रेस होता है, इससे तो बड़ा पर्सनैलिटी बनती है, ये एंड वो, राइट. तो फिर आप जो है आप नशा करने लगते हैं और आप गाली गलौज करने लगते हैं, और राइट यू थिंक दैट कि नशा करके गाली गलौज में बात करना वही ब्रेवरी है, वही पुरुषार्थ है, इस तरह की बात सोचने लगते हैं. और वहीं पर कोई ऐसा सिस्टम होता है जो आपको बताता है कि भाई साहब एक ही जीवन है, इसका एक एक सेकेंड कीमती है, हर वो सेकेंड जो आपने नशे में बिताया है या गाली गलौज में या गुस्से में या क्रोध में बिताया है, वो सेकेंड, वो समय आपके जीवन से हमेशा के लिए वेस्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है. उसमें जो कुछ भी हुआ है इट डिड नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर लाइफ, तो क्यों करना ऐसी चीज़, राइट. इस तरह की बात करने वाला कोई आपके जीवन में है कि नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता यहाँ से अख्तियार करेंगे. एक उम्र होती है, आप में से बहुत सारे लोग इस उम्र में हैं, वो उम्र लगातार सवाल पूछ रही होती है. इनफैक्ट जब से हमने इंसानी भाषा बोलना शुरू, भाई जब हम पैदा हुए थे तो हम सभी रो रहे थे, हम में से किसी को इंसानी भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे हम इंसानी भाषा बोलना शुरू किए. और जिस उम्र से हमने इंसानी भाषा बोलना शुरू की है, उस उम्र से लगभग, जिस उम्र में ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग हैं, उस उम्र तक हम लगातार दुनिया से सवाल पूछ रहे होते हैं. वो सवाल चाहे हम जोर से पूछ रहे हों, मुंह खोल के पूछ रहे हों, या वो सवाल हमारे दिमाग के अंदर ही चल रहे होते हैं. खासकर ये जो एज ग्रुप है जिसको हम 17 साल की या 16 साल की उम्र से, या 15 साल ले लीजिए, 15 साल की उम्र से लेकर के 26-27 साल की जो उम्र है, इस उम्र में जो लोग भी आते हैं, ये उम्र के लोगों के अंदर में कई लाख सवाल एक साथ चल रहे होते हैं. सो कुछ लोग के एटीट्यूड में होता है कि वो इस सवाल को पूछ लेते हैं, या वो ढूंढते हैं ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे ये सवाल दे जाएगा, और वैसे ही लोग बुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही लोग विवेकानंद बन जाते हैं. और कुछ लोग हैं वो इन सवाल को अपने मन में ही जो ही रखते हैं, राइट, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है तो हो सकता है यही सही होगा, ये ऐसा कर रहा है कि यही सही होगा, अच्छा इस इंसान को तो मैं इतना अच्छा मानता था ये भी ऐसे काम करते हैं, मतलब हो सकता है इस काम में कोई बुराई ना हो. तो इस तरह से आप अपने अंदर के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सही और गलत का लगातार तय करते रहते हैं. माई डियर फ्रेंड, एक ही तरीका है आपके, जो मैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट बट लेट्स टॉक अबाउट ईच अदर एज वेल. All I'm trying to tell you, anything that wastes your time is waste. और कुछ भी हो, right? आप कहीं पे पैसा आप गुमा दें, पैसा घूम जाए, या पैसा बहुत खर्च हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, एक रत्ती भी इस बात के लिए दिल पे दुख मत करना. लेकिन कहीं पर अगर आपका समय खराब हो जाए, if you have got to waste the time, I'm telling you, do not do it, and not at this age particularly. बुढ़ापे में बहुत समय मिलेगा समय वेस्ट करने के लिए, क्योंकि तब समय ही समय होगा और कुछ नहीं होगा, समय में साथ देने वाले भी चले जाएंगे, तब देखेंगे समय को कैसे वेस्ट करना है. दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट द टाइम, एंड दैट इज हाउ यू शुड डिसाइड. सो इस सोशल ग्रुप में, एक सोशल ग्रुप हमारा भी है क्योंकि इस स्क्रीन के माध्यम से आप और मैं बात कर रहे हैं, सो यू आर ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. मे बी इसको आप कह सकते हैं सोशल मीडिया, येस इट इज़ अ सोशल मीडिया. सो बट सोशल मीडिया हैज़ अ ग्रुप्स, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं आपने देखा. सो दिस ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन टू योर लाइफ. सोशल मीडिया मेक्स अ वेरी इम्पैक्ट इन टू योर लाइफ. यू कैन एड ऑन टू टॉक अबाउट इट. सो यू कैन एक्चुअली डिस्क्राइब इट नॉन टेक्निकल एंड क्लासिकल सोशल ग्रुप्स एंड टेक्निकली सोशल मीडिया ग्रुप्स. येस सोशल मीडिया ग्रुप्स प्लेज अ वेरी लॉट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन टू योर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी. मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है वो सोशल मीडिया ग्रुप्स में ही झगड़ लेते हैं जब आपके उनके पॉलिटिकल राइवलरी या पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. कई ऐसे लोग हैं जिनको आप पर्सनली पॉइंट कर दो तो वो उस बात पे झगड़ लेते हैं, उनको प्रोफेशनली कुछ भी बोलते हो फर्क नहीं पड़ता. सो देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन टू द एटीट्यूडनल बिल्डिंग. इन फैक्ट देयर आर लॉट ऑफ सुसाइड्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. मार्क जुकरबर्ग ने अपने बहुत पहले, जब फेसबुक नया नया बना था, ग्रो हो रहा था, जब उसकी IPO आया था, पब्लिक लिस्टिंग हुई थी, उसके कुछ महीने पहले उसने एक स्टेटमेंट बोला था कि फॉर एज लॉन्ग एज डाइवोर्सेस एंड मैरिजेज आर हैपनिंग ऑन फेसबुक माय बिजनेस इज रनिंग. क्या बात कही उसने कि जब तक फेसबुक की वजह से तलाक और शादियाँ हो रही हैं मेरा बिजनेस चलेगा. इमेजिन हाउ कैन समबडी सो ग्रीडली से दिस. हाउएवर ही वॉज वेरी ट्रू.
बिकॉज फेसबुक ने किया क्या है आपके जीवन में, फेसबुक ने आपके इमोशंस को नापने का एक मीटर बना दिया। अभी तक इससे पहले इमोशन को तौला नहीं जा सकता था, उसको किलोग्राम में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, राइट, लीटर्स में तौला नहीं जा सकता था, लेकिन अब उसको लाइक्स, डिसलाइक्स, एंग्री, शेयर और कमेंट, इन तरह से तौला जा सकता है, राइट। इनका एक काउंटर बन गया है, इनका एक मिलीमीटर बन गया, इनका एक वेगिंग मेथड्स बन गया है, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ सो कॉन्फिडेंटली सेइंग, अब तो व्हाट्सएप भी उसका है, इंस्टाग्राम भी उसका ही है, सो इन सभी प्लेटफॉर्म में व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से दैट यस, सोशल इम्पैक्ट, सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स इन योर एटीट्यूड, एंड एज लॉन्ग एज इट इम्पैक्ट्स द पीपल्स एटीट्यूड, हिज बिजनेस इज रनिंग, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, सो दैट यू कैन ऐड। लेट्स नाउ हेड ऑन टू द केस स्टडी। एक ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, लेट्स क्विकली गो टू द केस स्टडी। केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। सबसे पहली चीज़, सबसे आवश्यक चीज़ है कि आप हमेशा अपनी केस स्टडी को आपने कैसा समझा है उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। किसी भी मुगालते में मत रहिए कि भाई केस तो एग्जामिनर ने ही लिख के दिया है, तो एग्जामिनर को पता ही होगा, पता है, पर वो ये जानना चाहता है कि आपने केस को कितना समझा है। सो ओपनिंग ऑफ योर केस विल ऑलवेज एक्सप्लेन द केस इन योर ओन वर्ड्स। लिख लीजिए, ये ऐसे शुरू होगा और आखिरी में एंड ऑफ द केस विल ऑलवेज हैव अ कंक्लूजन, क्योंकि वो यही सुनना चाहता है दोस्त कि आप उस स्थिति में क्या करेंगे, एंड द कंक्लूजन मस्ट बी एथिकली, लीगली वायबल होना चाहिए, राइट, ब्योरेटिकली, राइट, वो ऐसा भी, एक तो वो सही होना चाहिए, सत्यनिष्ठा के आधार पर होना चाहिए, हाई वैल्यू मॉरलिटी पर होना चाहिए, और दूसरा वो हो सके प्रैक्टिकल भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ तो भी प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन दे दें, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि जब रियल सिचुएशन में आपके साथ वो होगा तो आप उसका क्या करेंगे, लेकिन कम से कम एग्जाम हॉल में आप एकदम हाई इंटीग्रिटी, हाई मोरालिटी वाले इंसान और बिल्कुल प्रैक्टिकल से लगने वाला सोल्यूशन का ही कंक्लूजन देंगे। ये बात आप दोनों बात याद रखें, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द केस टू बिगिन विथ, यू विल एक्सप्लेन द केस इन योर वर्ड्स, एंड देन यू कंक्लूड द केस दैट व्हाट इज योर डिसीजन एंड हाउ योर, सी इट्स नॉट व्हाट डिसीजन यू टेक, इट इज हाउ यू लेट द पीपल बिलीव दैट योर डिसीजन इज राइट, बिकॉज ऑल इन एथिक्स ऑल डिसीजंस आर राइट and all decisions are wrong. For example, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद उस आंदोलन को, क्विट इंडिया आंदोलन को छोड़ देना चाहिए था या उस आंदोलन को चलते रहना चाहिए था, क्या होना चाहिए? आधी आधी पूरा हिंदुस्तान की आबादी बढ़ जाएगी कि एक कहेगी कि हाँ चलने रहना चाहिए था, एक ने कहा था हाँ गांधी जी ने सही किया। लेकिन गांधी जी ने इसको किस तरह से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इस बात से गांधी पर विचार लोगों का वापस स्थापित होता है और इसी कारण से कुछ लोगों का विचार उनसे हमेशा के लिए रूठ जाता है। और ये हमेशा होगा, जो भी फैसले आप अपने जीवन में लेंगे उन फैसलों में कोई इंसान आपके खिलाफ खड़ा होगा, कोई इंसान आपके पक्ष में खड़ा होगा, और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पर खड़े होंगे। इनफैक्ट फ्रेंड्स, देयर इज़ अ स्टेटमेंट रिटन, दो लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं, एक जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो किसी को खुश नहीं कर सकते, एंड दैट्स वेयर वी आर स्टडिंग एथिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो क्या मैंने जो बात बोली वो ये है कि अगर आप सबको खुश, दिस द लॉ इज ऑलवेज दैट यू हैव मिनिमम 51%, डेमोक्रेसी की जो बात कही ना कि भाई आपके पास बहुमत होना चाहिए, ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू मस्ट टेक अ डिसीजन जो 51% लोग मान जाएं। पर यह कैसे होगा, यही तो एथिकल डायलेमा है, यही तो सवाल है, यही तो दिक्कत है। आइए एक ऐसे ही दिक्कत से मुखातिब होते हैं। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, दो तरीके हैं, इंट्रोडक्शन दीजिए, डिफाइन कीजिए, डायग्राम लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम को, कंक्लूजन दीजिए। एक तरीका ये, डायग्राम जरूर बनाइए दोस्त, अगर डायग्राम नहीं बन रहा हो तो वहाँ पर आप SWOT एनालिसिस कीजिए। SWOT एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। ये हमेशा किसी भी एथिकल डायलेमा में ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होता है, राइट, किसी भी फॉर्मूला में, राइट। आप खाना खाएंगे कि पढ़ाई करेंगे तो उसका भी SWOT एनालिसिस हो सकता है, खाना खाना चाहिए कि पढ़ाई करना चाहिए, तो पहले चलो खाना खाते हैं, उसके फायदे ये हैं कि एनर्जी आ जाएगी, बहुत दिन से भूखे हैं, उसका नुकसान ये है कि समय वेस्ट होगा, वो भी एग्जैक्टली वो समय जब पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन करता है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई साहब हो सकता है कि ये खाना खत्म हो जाए, हॉस्टल में फिर मिले ही नहीं। थ्रेट क्या है कि सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, या कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे लोग टाइम ईट करेंगे, हम मेस में जाके खाना खाएंगे। तो ये आपका SWOT एनालिसिस हो गया कि खाना खा लेना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करने का स्ट्रेंथ क्या कि भाई एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, एग्जाम में कम से कम 5-6 नंबर की पक्की तैयारी हो जाएगी।
वीकनेस क्या है कि भाई जब पढ़ाई खाना ही नहीं खाएगा, एनर्जी नहीं खाएगी तो टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये समय उपयोग हो जाएगा जो सबसे फर्टाइल समय है। थ्रेट क्या है, थ्रेट ये है कि भाई खाना खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, या जो हम पढ़ाई करेंगे वो समझ भी ना आए, सब बेकार हो जाए या हम कोलैप्स हो जाए, राइट, ऐसा कुछ हो जाए। सो दिस इज हाउ। तो क्या मैं आप बता रहा हूँ कि इसमें से ये जो दो ऑप्शन है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये जो दो ऑप्शन है ये आपके एग्जैक्टली कंट्रोल में है। तो इस तरह से ये चार ऑप्शन में आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी डायलेमा को एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन करने के बाद आप अपना फैसला दे सकते हैं। तो SWOT एनालिसिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, हेल्प्स यू टू रीच टू अ कंक्लूजन नंबर वन, एंड हेल्प्स यू इस्टैब्लिश योर टैक्टिक्स, योर ओपिनियन अबाउट दैट डिसीजन। तो जो भी फैसले आपने लिए हैं उन फैसलों को कैसे आप सही ठहरा सकते हैं उसके भी तर्क आपको बना करके दे देता है। इसलिए SWOT एनालिसिस भी एक अच्छा तरीका है आपको सॉल्व करने का। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस फर्स्ट। बहुत छोटा सा केस है, दो लाइन का समझिए। राइट, क्या कहना चाह रहा है, यंग पीपल विल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। ओह, सो ये बात तो बड़ी खतरनाक हो गई, एंड स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट अ बायोग्राफी। हम आपसे ये सवाल पूछा गया है, जो लोगों का राजनीति करने से कम कोई लेने देने, हमने पढ़ी है राजनीति को, जानते हैं राजनीति, अतीत से अभी तक की राजनीति जाने हैं, पर हमने कभी सोचा नहीं कि राजनीति की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। इनफैक्ट एक जमाना था जो शायद मेरी जवानी का जमाना था, उस जमाने में तो अगर कोई आप बात भी कर दो कि यार मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, तो सिचुएशन ऐसे बन जाती थी कि लोग इमीडिएटली आपसे दो कदम पीछे खड़े हो जाते थे, बोले ठीक है तू राजनीति में जाना चाह रहा है, जब तक आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। इट यूज टू बी दिस वे। आज कम से कम यू कैन ओपनली टॉक अबाउट योर करियर इन पॉलिटिक्स, एंड इनफैक्ट देर हैज़ बीन अ सिचुएशन, यू मस्ट हैव एग्रीड, आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल, फीमेल एंड मेल बोथ, वो पॉलिटिक्स में है क्योंकि वन पर्सन ऑफ द फैमिली इज द अर्निंग पर्सन। बहुत सारे दोस्त हैं वो आए हैं पॉलिटिक्स में क्योंकि अगर वो लड़के हैं तो उनकी वाइफ एक गवर्नमेंट जॉब में है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर है, और वो फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हैं इसलिए वो पॉलिटिक्स में आए हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब में या अच्छे प्राइवेट जॉब में है जो फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं, या उनका इनकम बैकग्राउंड, जो इनकम चैलेंजेस हैं, कमाई का जो चैलेंजेस है वो सॉर्टेड है, वो सेट है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आए हैं। अब ये कैसे हुआ है दोस्त, ये ऐसे हुआ है कि राजा राम मोहन राय के समय से, राइट, इनफैक्ट बुद्ध के समय से, कबीर जी के समय से, उनके काल से अभी तक कुछ लोगों ने लगातार संघर्ष किया, हमारे समाज ने लगातार संघर्ष किया है कि महिला और पुरुष इसी किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी सिस्टम को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, अगर एक सिस्टम करप्ट बन चुका है तो उस करप्ट सिस्टम को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी भी मजबूत सिस्टम का एक बहुत छोटा सा कोना होता है जो बहुत ही वल्नरेबल होता है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी गाड़ी को चालू करने के लिए एक छोटी सी चाबी की ज़रूरत होती है, या एक छोटे से बटन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं, इन सिस्टम्स का एक फ्रिंज होता है, उस फ्रिंज का एक लीकेज होता है, राइट, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर वो लॉक खुल सकता है, बहुत आसानी से खुल सकता है, और वही वो लॉक होता है जो सिस्टम को वापस से ब्रेक करता है, क्रांति होती है और नया सिस्टम स्टैब्लिश होता है। यही इतिहास है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, राजनीति में हमने बहुत समय से महिलाओं को राजनीति में रोक के रखा है, क्योंकि महिलाओं को रोक राजनीति में रोक के रखने से, मतलब सामाजिक लाइफ में रोक रखने से, जाति व्यवस्था अपने आप स्थापित हो गई, हायरार्की सामंतवाद स्थापित हो गया, अमीर गरीब स्थापित हो गया, क्लासेस स्थापित हो गए, सब कुछ एक सीढ़ी से। इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू कीप वुमेन एज द कम्युनिटी ऑफ द मेल। ये मैं इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। और ये इसकी वजह से क्या हुआ, जब एक परिवार में एक महिला कमाने के लिए तैयार हो गई तो पुरुष राजनीति में आने को तैयार हो गया, क्योंकि एवरीथिंग, इनफैक्ट एज ए ब्यूरोक्रेटिक, एज एन ऑफिसर, एज ए पब्लिक सर्वेंट, यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग इज गवर्न बाय द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ही सेंटर है जो पॉलिसीज बनाती है। बाई डिमोनेटाइजेशन हुआ,
चाहे फिर वो ऑफिसर रहे हों, चाहे वो गरीब आदमी रहो, लाइन पे लग गया, सारे काम छोड़ के लाइन पे लग गया। जिनके घर पे शादियां थी वो भी लाइन पे लगे हुए थे, जिनके घर में राशन नहीं था वो भी लाइन पे लगे हुए थे। इट डजेंट मैटर आपके बैंक में कितना है, उस वक्त आपकी कोई सुनने वाला नहीं है अगर आपके पास में नए नोट्स नहीं है। सो यानी कि पॉलिटिक्स डिफाइंस एवरीथिंग, यू मस्ट गो टू द पॉलिटिक्स, एवरीबडी शुड, एटलीस्ट 1% शुड बी इन पॉलिटिक्स। हालांकि इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज पॉलिटिक्स टेक्स अ लॉट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। सो एक तो ये कारण है कि लोगों में लीडरशिप की कमी थी, क्योंकि सिस्टमेटिक जो सिस्टम था, हम लोग एक EMI क्लास में रहने लगे थे। EMI क्लास रहने का मतलब ये है कि आपकी एक नौकरी है, नौकरी पाते ही आपने घर ले लिया, घर की किस्त चलने लगी, फिर आपने कार ले ली, कार की किस्तें चलने लगी, फिर आप कहीं घूमने गए उसकी भी किस्त ले ली, फिर बच्चों को पढ़ाने लगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किस्तें ले ली, और इतनी सारी EMI, इतने सारे म्यूचुअल फंड, इतने सारे इंश्योरेंसेज, इतनी सारी चीज़ें आपके सैलरी क्रेडिट होती है और चली जाती है। तो जगह से भी राजनीति में कुछ गलत होने का विचार आता है तो तुरंत आपको लगता है कि भाई साहब नौकरी चली जाएगी तो ये सब चला जाएगा, तो कौन माथा मिले, इसलिए चलो नौकरी करते हैं। तो ये जो मिडिल इनकम ग्रुप तैयार हुआ था, जिसको मैं EMI क्लास बोलता हूँ, राइट, विद इन मिडिल क्लास एक EMI क्लास होती है। इस EMI क्लास की वजह से एक वॉक्यूम आ गया था कि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे थे, और धीरे धीरे पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो राजनीति में कुछ नहीं कर सकता था। जबकि एक समय था, राइट, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, खुद महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे लोग राजनीति में आए और राइट राजनीति को बहुत अमूल बदलाव दिए हैं, जो कि सर्वहारा ग्रुप की तरफ से था, तो जो गरीबों की तरफ से था। सो ये हुआ है, अब आज के राजनीति में यह संभव नहीं हुआ, लेकिन संभव नहीं है कि कोई भी इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, अपना घर चलाने का पैसा नहीं, वो राजनीति की तरफ देख भी नहीं सकता। लेकिन ये जो फ्रिंज टूटा है, ये जो लीकेज टूटा है, वो कैसे टूटा है कि अब एक फैमिली में दो लोग कमाने वाले हैं। जब दो लोग कमाने वाले हैं तो एक फैमिली की जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी ले लेता है और एक पूरे समाज की राजनीतिक जिम्मेदारी ले लेता है। और ये जनसंख्या पिछले एक दशक में भारत में बहुत ज़्यादा तादाद में आई है, देखने लगी, इनफैक्ट एक्सेप्टेंस होने लगा है। अब मैं उन लोगों को भी, जो लोग अमेरिका में हैं, जो लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के फैमिली में भी मैं पॉलिटिक्स में अपने व्यक्तिगत रोल की संभावनाओं को देखता हूं, सुनता हूं, ये हो पाता है, ये संभव हो पाता है। सो दिस इज चेंजिंग, राइट, इकोनॉमिक्स इज चेंजिंग, पैराडाइम्स इज चेंजिंग, सोशल स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, एंड हेंस दिस आउटलुक इज ऑल्सो चेंजिंग। सो जितना भी मैंने इतनी देर में बात की, यू कैन ऑल यूज दिस theorem into the discussion that we've been talking about, right? So contemporary politics का मतलब होता है कि आज कल की राजनीति, right? ये unethical practices से भरी पड़ी है। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, क्यों मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग कंप्लेन करते हैं वो गलत होते हैं। कंप्लेन करने से किसी का आप किसके पास जाओगे? अगर आप किसी स्कूल में कोई व्यवस्था गलत है, उसका कंप्लेन करने किसके जाओगे? प्रिंसिपल के पास जाओगे। प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं पता होता है कि उसका सिस्टम में या संस्था में गलत है, या तो उसमें इच्छा शक्ति नहीं होती है, या उसमें हिम्मत नहीं होती है, या वो उसमें इन्वॉल्व होता है, या वो उसके मजे ले रहा होता है, या उस गलत सिस्टम को बनाए रखने वाले लोग उसको उस सेफ्टी जोन में डाल देते हैं कि उस सेफ्टी जोन में वो इन्जॉय कर रहा होता है, इसीलिए वो उस सिस्टम में करप्शन होता है, उस सिस्टम में कोई गलत चीज़ होती है। तो आप जाओगे गलत बताने तो किसके पास जाओगे? उसी प्रिंसिपल के पास, जिसको सीधे दिखाई दे रहा था, जिसको आप बता करके भी क्या कर लोगे। इसलिए कंप्लेन कभी राइट एटीट्यूड नहीं होता है, और पॉलिटिक्स में तो खास तौर से, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर एंड पावर इज ऑलवेज करप्ट। आपकी जिम्मेदारी यह है कि पावर से जब आप, राइट, जो पीपल हुआ पावरलेस एंड पीपल हुआ पावरफुल, इनके बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है उसी को ही तो राजनीति कहते हैं। और राजनीति किसको कहते हैं? तो नेचुरली जो पावरफुल इंसान है वो अपने टर्फ को, अपने कंट्रोल को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, और जो पावरलेस इंसान है वो चाहेगा कि भाई साहब थोड़ी सी तो कंट्रोल और दे दो, एक रोटी, दो जून की रोटी खाने का कंट्रोल तो कम से कम दे दो। तो ये जो टसल चलती है, इसी टसल को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो जब ये टसल ही पॉलिटिक्स है, सो व्हाई यू आर क्राइंग फॉर अनएथिकल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस? एनीबडी हु हैज अ पावर विल ऑलवेज हैव सफिशिएंट ग्रीड टू एटलीस्ट, एंड ही विल कीप ऑन सेइंग दिस दैट आई एम नॉट यूजिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस, एंड समवेयर इन द ब्रेन ही और शी इज ऑलवेज कन्विंस्ड that she or he is not using unethical practices. So if you have a power somewhere, you are compromising in your moral and ethical values. Ye hai. You don't have to complain. Anybody should not complain about it. If you have a solution, come forward or do continue to do what you're doing. So that's a negative line I don't want to put on this. High number of MLAs and MPs, I should say, high number of people. And I want to specifically mention what happened in Unnao, right? Uttar Pradesh, Unnao ke jile Unnao mein jo hua,
वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। और ऐसा हर जगह हो रहा है, ये तो केवल रिपोर्ट हो गया, सरफेस में आ गया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, कई ऐसी लोग हैं जब वो अपनी कहानी बताने लगते हैं तो शर्म आ जाती है कि हम इंसान हैं, और हम इस बात से भी शर्मसार हो जाते हैं कि हम में सुनने की हिम्मत भी है। तो उनके वो जब वो झेल रहा होगा, जब उसके साथ बीत रही होगी, तो क्या हुआ होगा और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देर आर समबडी इन द पॉलिटिक्स हु आर यूजिंग, मिस यूजिंग एंड अब्यूजिंग देयर पावर। एंड ये क्यों हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं, वो कभी भी एकजुट आने की कोशिश नहीं करते। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक SMS आया था दोस्त, बड़ा काम का था, मैं आपको बता दूं। वो कहता है कि 0 to the power 365 इज इक्वल टू 0, पर 0.01 ब्रैकेट इनटू द पावर ऑफ 365 इज इक्वल टू, आई डोंट नो द नंबर, सम 7, 11 और 17, ऐसे एक नंबर था, विच इज ह्यूज, विच जो जीरो से बहुत बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि आप 0.01% अटेम्प्ट भी लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जो कि नीति शास्त्र भी कहता है कि दुनिया के किसी कोने में तितली के पंख फड़फड़ाने से भी दुनिया के किसी दूसरे कोने में जलजला और तूफान आ सकता है। सो यू नेवर नो दैट व्हाट इम्पैक्ट्स वेयर, ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक इम्पैक्ट, राइट? सो दैट्स हाउ द पॉलिटिक्स शुड बी। सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट यू आर पावरलेस, नन ऑफ अस आर, राइट? सो एक तो हो गया भैया मनी, ये लगभग असंभव हो गया है कि बिना, हालांकि कई ऐसे कमिटी हैं स्वामीनाथन, कई ऐसी कमिटीज़ हैं जिन कमिटीज़ ने ये एस्टेब्लिश किया है कि अब पॉलिटिक्स में, राइट, दे हैव कम आउट विद द सॉल्यूशंस कि इससे ज़्यादा पॉलिटिशियंस खर्च नहीं कर सकते। हालांकि उनके भी बहुत सारे लूप होल्स निकाले गए हैं, लूप होल्स हमेशा निकाले जाते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई आज हमारे देश में लोकतंत्र है, आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में लोकतंत्र हैं। ये उन 2000 सालों का लगातार संघर्ष है जो सत्ता के खिलाफ समाज ने और जनता ने किया है, तो वो आज यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, बट सो फार द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द पीपल इज दैट दे हैव डेमोक्रेसी, एंड टेकिंग केयर ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी सो दैट नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर अस इज ऑल्सो एबल टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एंड मी लिविंग इन 21st century, राइट? विच इज हाईली अनलाइकली फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आ जाने से, डेटा साइंस के आ जाने से, मेगा डेटा, राइट, बिग डेटा के आ जाने से डेमोक्रेसी बहुत बड़े खतरे पर आ चुकी है, बहुत बड़े खतरे पर आ चुकी है। सो विल वी बी एबल टू सर्वाइव इट? इनफैक्ट 21वीं सदी के तीन ही चैलेंज हैं, क्लाइमेट, सिक्योरिटी एंड स्टेट स्टेबिलिटी। किसी भी सत्ता का, किसी भी राज्य देश का स्थिर रह पाना, क्योंकि सबके पास परमाणु बम है, खत्म हो जाएगी दुनिया, कोई भी एक अस्थिरता बनती है। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? आपके आसपास जो एबडक्शन और बलात्कार हो रहे हैं, जो CCTV कैमरा लगा देने से भी नहीं हो रहे हैं, ये एक। और तीसरा, क्लाइमेट, अगर बायोस्फीयर ही चला गया, हमारा जो जीवन मंडल है यही खत्म हो गया, तो क्या होगा 21वीं सदी में? अगर हमने ये तीन, हम आपने मिलकर के अगर इन तीन चीज़ों को संभाल लिया तो हम 22वीं सदी में पहुंच पाएंगे। और अगर हम 22वीं सदी में पहुंच गए तो क्लाइमेट फॉरएवर सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज बना लिए हैं जिसमें हम सिर्फ सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, इन सभी एनर्जी से ही हम पूरी मानव जाति के लिए ऊर्जा पैदा कर पाएंगे। ये संभव हो पाएगा, इट इज़ विजिबल, इट इज़ फोर्सीबल, राइट? एक देर इज़ अ थ्योरी विच इज सेइंग 1901 में एक टाइम मैगजीन में यह खबर छपी थी कि लंदन और लंदन जैसे बहुत सारे शहर एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बग्घी गाड़ियाँ इतना लीद पैदा करती हैं, इतना गोबर और इतना गंदगी पैदा करती हैं कि उससे उपजने वाली बीमारियाँ एक दिन हैजा और कॉलरा के रूप में पूरी दुनिया में छा जाएंगी और पूरा का पूरे शहर खत्म हो जाएंगे। और उसके ठीक 3 से 4 साल बाद जब हेनरी फोर्ड ने मैसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल शुरू कर दिया, जब डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां आ गईं और बग्घियां खत्म होने लगीं, तो पूरी दुनिया में टाइम मैगजीन और पूरी दुनिया की मैगजीन ने फिर से एक बार छापा कि अब हम निजात पा चुके हैं, बहुत बड़ी दर्द से, बहुत बड़ी संभावना जो इंसानियत को ख़त्म कर सकती थी, उस चिंता से निजात पा चुके हैं। और 2001 में फिर से टाइम मैगजीन, ठीक 100 साल बाद टाइम मैगजीन ने फिर से छापा था कि धुएं की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अगर यही चलता रहा तो अगले 30 सालों में अर्थ जो है इंसानों की या किसी जीवन को सपोर्ट करने के लायक नहीं रह जाएगी। 100 साल में वही चीज़ परेशानी के रूप में कन्वर्ट हो गई। और फिर इसके बाद हम ये जानने लगे कि सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से हम फिर से पोल्यूशन से निजात पा लेंगे। बाई 2030 तक हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब हमको लग रहा है कि हम धुएं से फिर से निजात पाने वाले हैं। हो सकता है 2101 या 2103 में फिर से टाइम मैगजीन, अगर टाइम मैगजीन रही तो वो ये खबर छापेगी कि ये जो सिल का है, ये जो वेस्ट है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस वेस्ट है, ये जो बैटरी का वेस्ट है, ये वेस्ट तो पूरी मानव जाति को, या इनफैक्ट उससे पहले ही मानव जाति को इतनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। टंगस्टन, सिलिकन, एलॉय, ये जो सारे एलॉय हैं इतने जहर पैदा कर देंगे कि हो सकता है कि फिर से कुछ। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कि टुडे वी थिंक अबाउट सोल्यूशन, बट मे बी टुडेज सोल्यूशन इज टुमारोज प्रॉब्लम। सो ये सारी चीज़ें हैं, समय है, अपने आप बदलता है, और समय अपने आप में चीज़ों का आविष्कार करता है और चीज़ों का पतन होता है, चीज़ों का नष्ट होता है। इधर समथिंग डिस्टर्ब, ये सब चीज़ें होती आ गई हैं, और उसमें राजनीति की एक बहुत महती भूमिका है, और उस भूमिका को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एनीवे, सो यूथ हैव अ गुड कंडक्ट राइट कंसिडरिंग द पॉलिटिक्स, आपको आना चाहिए राइट, अगर लोग आएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनको चिंता होती है कि वो किसी तरह के क्रिटिसिज्म, इस गंदगी में जहाँ पे ईमानदारी है ही नहीं, वहाँ हम जा कर के क्या करेंगे। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ दोस्त कि गौशाला में गाय नहीं जाएंगी तो आवारा पशु ही जाएंगे। आवारा पशु मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, आप समझ ही गए होंगे। तो उसी तरह से संसद में अगर ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आप खुद ही समझ चुके हैं, क्योंकि वो हो रहा है, वो आपके सामने है। तो संसद बुरी इसलिए है क्योंकि वहाँ बुरे लोग पहुँच गए हैं। बुरे लोग क्यों पहुँच गए हैं? क्योंकि अच्छे लोग वहाँ पहुँचने की इच्छा शक्ति ही गंवा बैठे हैं। ये पॉइंट है जो आपको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए यहाँ पर, राइट। सो और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये वही अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसके खिलाफ गांधी जी ने लड़ा था। अब गांधी जी की तरह मूल्यों से लड़ने वाला शायद कोई बचा नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जयप्रकाश नारायण, जब ये चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। इनफैक्ट आसाम में इरोम, शर्मिला इरोम चानू, यही शायद उनका पूरा नाम है, यस यही उनका पूरा नाम है, इन्होंने चुनाव लाए थे, 41 वोट मिले थे। और मुझे नहीं लगता, मैं और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस महिला की जिसने अपने ज़िंदगी के 14 साल AFSP ये कानून को रद्द करने के लिए 14 साल उपवास में बिता दिए, उस महिला ने जब चुनाव लड़ा तो उसको कुल 41 वोट मिले। ये कितना, ये एक चौंकाने वाली बात है, और यही वो कारण है कि बहुत से अच्छे लोग चुनाव राजनीति पे नहीं जाते। लेकिन नहीं जाएंगे तो ये 41 लोग भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि कोई भी अच्छा इंसान जब चुनाव लड़ेगा राइट, तो उसको एक या दो लोग खुद अपना वोट भी नहीं मिलेगा। तो ये दिस इज आवर, शुरुआत ऐसे ही होती है। एक एग्जाम्पल, मैं चूंकि व्यक्तिगत तरीके से पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब आई एम नॉट प्रेजिंग द पार्टी राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एटीट्यूड जिसके बारे में हमें पढ़ रहे हैं, मैं एक एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, उनका नाम था कांशीराम। जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव लड़ा था और टीवी पे चुनाव की गणना आ गई थी, तो उनके एक साथी थे, वो डरे डरे हुए जाकर के बताते थे कांशीराम जी को कि यार इतना ही वोट मिला है हमको, इतने वोट से हार गए, इतनी बुरी तरह हार गए, जमानत जब्त हो गई। और वो खुश होते थे, कांशीराम खुश होते थे। तो वो जाकर के वहाँ से पूछते थे, शायद उनका नाम जगजीवन गया प्रसाद समथिंग एक नाम था, मैं उनका नाम बिल्कुल याद नहीं कर पाऊँ, वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। वो कहते हैं कि जब मैं कांशीराम जी के पास बोलता था कि भैया मैं आपको इतनी बुरी खबर ला करके दे रहा हूँ साहब, और आप एकदम खुशी हो जा रहे, तो वो कहते हैं कि कांशीराम जी उसको जवाब देते हैं कि इतने लोगों ने तो विश्वास किया, यही विश्वास आगे दे चल के सरकार बनेगा। और वो सरकार बनी, पहली दलित महिला हिंदुस्तान में इतने बड़े प्रांत में एक मुख्यमंत्री बनती है। तो ये संभव हो पाया क्योंकि एक इंसान का एटीट्यूड था कि चलो कुछ लोगों ने तो विश्वास किया। तो ये 41 वोट किसी दिन 41,000 वोट में कन्वर्ट होंगे अगर हम और आप लोग राजनीति से उदासीन नहीं होंगे। तो आई एम नॉट एक्चुअली प्रोवोकिंग यू टू गो इनटू द पॉलिटिक्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट। सो द स्टेप्स टू मोटिवेट द पीपल, कैसे मोटिवेट करेंगे? तो सबसे पहले चीज़ बताएंगे कि भाई राइट, द फर्स्ट ऑफ ऑल द पब्लिक शुड टेक अ कॉल एंड दे शुड नॉट सपोर्ट कलर करप्ट। अब ये आप देखिए, फिर अगेन ये कंप्लेन वाला एटीट्यूड, यू शुडंट कंप्लेन एवर, आई एम टेलिंग यू। जिस इंसान के पास 2 जून की रोटी नहीं है, अगर उसको आप 500,000 रुपए दे दो वोट देने के लिए, तो वो क्या करेगा राइट। सो इट इज द सिस्टम विच हैज डिलिबरेटली केप्ट पीपल पुअर सो दैट दे कैन बिकेम द
Kathputli of the rich people. That is how it has been happening all over life, right? In fact, 2019 में हुए लोकतंत्र चुनाव, आम चुनाव, देश का दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा, दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑपरेटेड एक्टिविटी है, राइट? हालांकि वो सेंसस है, भारत की जनगणना है जो बहुत सबसे दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिविटी है, पर चुनाव भी लगभग वैसे ही। और उस चुनाव में एक स्टडी कहती है कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सभी दलों ने मिलकर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इमेजिन द मनी, ये वो देश है जहां 6,000 लोग रोज भूख से मर जाते हैं और वहां पर 70,000 करोड़ रुपए का एक इलेक्शन होता है। मतलब कैलकुलेट किया जाए तो जिस देश के नेता कहते हैं कि गांव में 16 रुपए रोज और शहरों में 28 रुपए रोज कमाने वाले लोग गरीब नहीं होंगे, गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएंगे, उसी देश में एक वोट की कीमत 70 रुपए से 72 रुपए लगाई जाती है। तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि हाउ मच मनी डज इट टेक। सो या सो एंड देन नोटा इज अ रेवोल्यूशन। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रियलाइजिंग नोटा इज द रेवोल्यूशन, राइट? क्योंकि अभी तक ये होता था कि कोई 5 लोग खड़े होते थे और ये 5 लोग किसी एक इंसान के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे। दुनिया देखती थी सामने से कि मुझे इन 5 लोगों में चुनना है, ये लोकतंत्र हो गया। पर पीछे वो नहीं देख पाते थे कि कोई एक इंसान ने इन 5ों को खड़ा किया है। कोई भी जीतेगा, अल्टीमेटली पावर उसके पास जाएगी। सो ये अभी तक होता था। तो अब आपके पास में नोटा है, यू हैव द राइट टू रिजेक्ट। सो अभी तो इसका धीरे धीरे, राइट, जिस तरह से एक समय में जब हमने धूम्रपान निषेध किया था पब्लिक प्लेसेस में और दुनिया हंस रही थी कि यार पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान निषेध करने से क्या हो जाएगा, लोग सजग हो जाएंगे, और आज लगभग कोई भी पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं करता। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट। इसी तरह से धीरे धीरे नोटा का भी इम्पैक्ट बढ़ेगा और एक नया रेवोल्यूशन लोकतंत्र के अंदर तैयार होगा। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो स्टेट फंडिंग इलेक्शंस प्रिवेंट द यूज ऑफ मनी, राइट? सो देर आर लॉट ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में बहुत सारे न्यूजेंस हुए हैं। अब MLA के चुनाव में आप 27 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, सांसद के चुनाव में 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि ये रकम भी बहुत बड़ी रकम है, पर कह रहे हैं कि ये अपर कैपिंग है, कम से कम इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं करते। तो कहीं ना कहीं प्ले फील्ड तैयार हो रहा है। एंड एज आई सेड, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन ऑफ राइट्स बिटवीन द पावरफुल एंड द पावरलेस। राजनीति पावरलेस, खासकर लोकतांत्रिक राजनीति, जो कमज़ोर लोग हैं और जो शक्तिशाली वर्ग है, इनके बीच में अधिकारों की लड़ाई ही राजनीति कहलाती है। उस हिसाब से तो ये बहुत कुछ बदल रहा है, राइट? सो योर पार्लियामेंटेरियन फोरम्स, रीजन स्टेट, सो आई कैन टेल यू ऑल अबाउट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट, बट बहुत सारी बातें मैंने बिना पढ़े ही आपके सामने बोल दी हैं, एंड यू कैन टेक प्रिंट्स ऑफ ऑल ऑफ इट, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस स्टडी, राइट? लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट केस स्टडी, रीड दिस केस स्टडी एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट, राइट? सो यस, सो क्विकली विल गो टू दिस केस स्टडी। सो यू आर पोस्टेड एज अ तहसीलदार ऑफ अ बैकवर्ड तालुक, बहुत पुराना पिछड़ा हुआ कोई तालुक है, वहाँ के तहसीलदार आप हैं। यू हैव रिसीव द कंप्लेन ऑफ मेनी सबॉर्डिनेट्स, राइट? ये केस कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई साहब कि आपके जो आप वहाँ पे तहसीलदार हैं और आपके डिपार्टमेंट में काम करने वाले बहुत सारे लोग बिल्कुल निरंकुश हैं, उनके बीच में कोई उनकी जो जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनफैक्ट वो आसपास के जो राजनेता लोग हैं, राइट, नेतागण हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और वो आपकी भी बात नहीं मानते, वो किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ पे रैम्पेंट करप्शन हो रखा है। अब आपको वहाँ पर जाकर जाना है तो आपको क्या रोल वहाँ पे निभाना चाहिए? दैट्स अ क्वेश्चन इन दिस केस, राइट? सो द केस ये है कि कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, राइट, चैलेंजेस टू द करप्शन, क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिलीवरी, ये कैसे होगा, राइट? कैसी चीज़ें करेंगे? सो दीज आर द सोल्यूशंस इस केस में, दीज आर द सिचुएशन है, राइट? ना तो वहाँ पे वर्क कल्चर है, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, कभी भी आ रहा कभी भी जा रहा है, कंपैशन नहीं है, राइट? कमजोरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है किसी भी तरह की, क्वालिटी ऑफ सर्विस खत्म हो चुकी है, करप्शन के चैलेंजेस हैं और किसी का कोई भी जवाबदारी कोई नहीं लेने वाला है, ये कंडीशन है उसमें। अब ना हाउ विल यू सॉल्विंग इट, राइट? सो केसेस हैं, पहले तो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, भाई जैसा हो रहा है वैसा ही होने देंगे, आप धृतराष्ट्र बन जाएंगे, राइट? आपके यहाँ पे चीराकरण होगा और उसके बाद भी आप बस यही कहते रहेंगे कि ये क्या हो रहा है, या तो आप ये तैयारी कर लें। दूसरे उसके परिणाम, उसके फायदे हैं कि भाई साहब आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा, करियर करके सब कुछ प्रमोशन भी हो जाएगा टाइम पे, राइट? किसी भी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। डिमेरिट ये है कि आपकी ईमानदारी हमेशा दांव पे लगी रहेगी। तो आप तय कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट? और ये सिखाता है कि आपके अंदर में
क्षमताएं नहीं है, साहस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, ये सारी चीज़ें वैल्यू सिस्टम की कमी है। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जितने भी बदमाश ऑफिसर्स हैं उन सब के खिलाफ बहुत अच्छे बहुत स्ट्रिक्शन लेंगे। भाई मेरिट ये है कि आपके अंदर में कोई भी करप्शन के लिए टॉलरेंस नहीं है, आपका एटीट्यूड वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया है। डिमेरिट्स ये है कि भाई साहब वहाँ का जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन आपकी ऐसी तैसी कर सकता है, राइट। और आपके खुद के साथ काम करने वाले लोग भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। आर्टिकल 50 नाम की एक मूवी आई है, उस मूवी को आप अच्छे से देख सकते हैं, राइट। सो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप राइट, सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन दैट वी एम टॉकिंग अबाउट। एक और ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ सच ऑप्शंस, राइट। दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग इट। सो एक अच्छा तरीका ये है दोस्त, सबसे पहले चीज जो मैंने आपको लिखी कि आपका जो आपने सारे ऑप्शंस लिखेंगे, सारे ऑप्शंस अच्छे बुरे सही गलत सारे ऑप्शंस ने आपने इसमें लिख डाला। लिखने के बाद में आपने केस की शुरुआत, जैसे मैंने समझाया केस को उस तरह से समझा दिया, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो यू विल बी साइडिंग विथ कि आप करप्शन नहीं सहते हैं, आप लड़ेंगे उस सिचुएशन से, संघर्ष करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो सोल्यूशन है वो तर्क संगत लगना चाहिए, लगना चाहिए कि ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी यूटोपिया सा उठा करके दे दिया। सो ये आप कैसे करेंगे, तो दैट यू विल बी डूइंग इट कि सबसे पहले तो आप लोगों की मीटिंग्स कराएंगे, जनसभाएं कराएंगे, जनसभाओं में लोगों को सुनेंगे, लोगों को सुनने के बाद में आप फाइल में रजिस्ट्री करेंगे कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ क्या और किसके किसको ये प्रॉब्लम हल होनी चाहिए। इसके बाद दीज फाइल्स विल बी जो ड्यू कोर्स होता है जो प्रोसेस का किस तरह से फाइल्स ट्रांसमिट होंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सफिशिएंटली गैदर द एविडेंसेस दैट वाई इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट्स रॉन्ग बीन हैपनिंग। उसके आप और जब लोगों को कागज पर आना पड़ेगा तो अपने आप लोग परफॉर्म करना शुरू करेंगे। सो दिस इज हाउ यू बी डूइंग। सो यू विल नॉट लॉगर हेड, राइट। जो जो इमैनुअल कैंट भी कहते, जो एरिस्टोटल भी कहते हैं और जो चाणक्य भी कहते हैं कि भाई साहब आपको पता है कि सामने एक हाथी है और वो पागल हाथी है और आपको लग रहा है कि आपको लोगों की जान बचाना ये आपकी जिम्मेदारी, यही आपकी नौकरी है, तो इसके ये मतलब नहीं कि आप हाथी से सीधे लड़ जाएंगे और उससे जान बच जाएगी। ये बहादुरी नहीं है, ये करेज नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू सर्व द सोल्यूशन, राइट। सो आप क्या करेंगे, राइट। सो देन यू विल बी ब्रिंगिंग अ डार्ट कि उसको नशे में डाला जाएगा, बेहोश किया जाएगा, फिर उसको उठा के सेफ जगह पर ले जाया जाएगा। सो दीज आर द रियल सोल्यूशंस। इसी तरह से आप पहले सोल्यूशन को प्रैक्टिकल, तर्क संगत, न्याय संगत, उपयोग संगत और लाजमी लगे कि हाँ ये लागू किया जा सकता है, पर किसी भी कीमत में आप अन्याय का सहारा नहीं देंगे, अन्याय के साथी नहीं बनेंगे, क्योंकि यही एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपके अंदर में ईमानदारी और ईमानदारी से जीने की इच्छा शक्ति कितनी है। द वेरी पर्पज ऑफ दिस पेपर इज दिस, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो आई हैड टू मोर केसेस दोस्त टू टॉक विथ यू, बट आई विल टॉक इट इन सम अदर क्लासेस, राइट। सो दैट इज हाउ आई बीन टॉकिंग अबाउट यू, इट वॉज गुड टाइम टॉकिंग टू यू अबाउट द एप्टीट्यूड। विल टॉक मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अबाउट एथिक्स जो कि MPPSC के GS4 पेपर में आते हैं। प्लीज़ हेल्प अस रीच टू द पीपल, राइट। एंड आप आई मीन Unacademy Plus को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ करें JRLIVE, जो आपको 10% डिस्काउंट देगा। एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6,300 रुपये में देगा और दो साल का सब्सक्रिप्शन आपको 10,080 रुपये में देगा, जो कि 11,200 रुपये का है। सो इफ़ यू विल बी इफ यू आर यूजिंग माई कोड JRLIVE, यू विल गेट दिस 10% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्त और बताइए कि कैसे हम अपने लर्निंग प्रोग्राम्स को और अच्छा बना सकते हैं। गिव दैट फीडबैक टू अस एंड हेल्प अस रीच टू द पर्सन हु नीड्स अस, बिकॉज ही मे हैव द सेम लेवल ऑफ ड्रीम्स बट मे नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज, राइट। संसाधन की कमी हो, सपने हमसे भी बड़े हों, उन इंसानों तक हमें पहुंचने में मदद करें, बिकॉज यही वो शिक्षा क्रांति है जिसके प्रति Unacademy प्रतिबद्ध होती है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।